मुलकभर की तरह आज गुजरांवाला कमिश्नर ऑफिस गुजरांवाला में 14 अगस्त के हवाले से तमाम डिपार्टमेंट के आला अफसरान ने कमिश्नर गुजरांवाला और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला आरपीओ सीपीओ गुजरांवाला ने मिलकर कमिश्नर ऑफिस में परचम कशाई और प्लान लगाने का इफ्तिताह किया। इस पूर्व मुसर्रत मौके पर अपने कायदीन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की याद को ताज़ा करते हुए तकरीब मुनक्कद की गई। मजीद तफसीलात करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ आरब भट्टी। जी आरब भट्टी, अस्सलाम वालेकुम। जी अहलम वसालम व मरहबा। आज की तकरीब के मेहमानान खुसूसी जनाब मंसूर कादर साहब, कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन, जनाब मुनीर मसूद मारत साहब आरपीओ गुजरांवाला, जनाब शायरा उमर साहब सीपीओ गुजरांवाला ले आए हैं। जी अभी आप सब लोगों के सामने एक मिनट के लिए सायरन बजाया और ये सायरन पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त पे बजाया जा रहा था, जिसके दौरान हर किस्म की ट्रैफिक और जितनी भी एक्टिविटीज थी वो आज के इस दिन के एहतराम में रोक दी गई थी। अब हम रेडी हैं, वी आर ऑल सेट फॉर फ्लैग होस्टिंग। अब मैं गुजारिश करूंगा का दिन जो हमारी आजादी का दिन है हर साल आता है और हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमारे आबा अजदाद ने खून के दरिया अबूर किए और रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की सुन्नत की पैरवी करते हुए अपने वतन को, अपनी सरजमीन को खैरबाद कहा और एक अजीम मकसद लेकर इस सरजमीन को अपना मस्कन बनाया। इस अज़्म के साथ और इस इरादे के साथ कि ये एक ममलकत खुदादाद मिल्लत इस्लामिया होगी जहां पर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए एक ममलकत को इस्लामी और फलाही रियासत बनाएंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है उसमें हम सब जिम्मेदारान हैं। हमने वतन तो हासिल किया लेकिन उसकी उस तरह आबियारी न कर सके जो हमारा फर्ज था। हमने उनकी उन कुर्बानियों को भी फरामोश कर दिया जिनको कुर्बान करते हुए वो लोग हिजरत करते हुए यहाँ आए। वो आज इस दुनिया में शायद नहीं हैं और जो हैं वो बहुत उम्रसीदा हो गए हैं और जिन्होंने वो खून का दरिया अबूर किया आज वो आकर देखें तो यकीनन हमसे वो नाराज होंगे। दावत दूंगा कायदे आजम डिविजनल पब्लिक स्कूल की होनहार तालिबात को कि वो सामने तशरीफ लाए और मिली नगमों से हाजरीन महफिल के दिलों को गरमाए। यूडीपीएस की तालिबात Thank you.
अपनी भी ड्यूटी को सर अंजाम दिया और लोगों को इसके बारे में आगाह किया कि हमारा जो आजाद हुआ था वो एक नाम पे हुआ था, पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे ये पाकिस्तान कायम हुआ। आज जो इसकी वजह से आज हम आजाद हैं, हम लोग एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अपने पाकिस्तानी और जितने जहाँ पे भी पाकिस्तानी मौजूद है इस दिन को बढ़ चढ़ कर मनाए और जल्द से मनाए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कमिश्नर ऑफिस में और यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट है सबके साथ यहाँ पे मौजूद है और उनकी जो मुलाजमीन है वो भी यहाँ पे तैनात किए गए।